आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि भारत और चीन की सीमा अभी तय होनी है, चीन और भूटान की सीमा भी अभी तय होनी है। दोनों के अपने अपने मैकेनिज़म्स हैं। हमारे यहाँ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविज़न है, पहले श्री शिवशंकर मेनन और अब आज के NSA अजीत डोवल हमारी ओर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और भूटान का अपना है, वहाँ K4 स्वयं एक मैकेनिज़्म को चला रहे हैं। ये दोनों सार्वभौमिक देश हैं, भारत और चीन अपनी सीमा तय कर लेंगे, भूटान और चीन अपनी सीमा तय करेंगे, लेकिन एक जगह ऐसी है जिसे ट्राई जंक्शन पॉइंट कहते हैं, और उस ट्राई जंक्शन पॉइंट में ये सहमति है, रिटन में सहमति है। 2012 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में, उसके पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्शन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्रीज, वो थर्ड कंट्री का मतलब भूटान, मिलकर तय करेंगे। अब जो चीन आया, चीन बीच बीच में बहुत बार आता रहा, सड़कें भी बनाता रहा, कभी कच्ची, कभी पक्की, कभी थोड़ी पक्की, कभी वो सड़क टूट गई, वो चीज़ें उनकी चलती रहीं, वो गतिविधियां उनकी लगातार जारी थी। इस बार वो बुलडोज़र, एक्सकेवेटर्स ये लेकर के आए, और उनकी नीयत इस बार ये है कि वो ट्राई जंक्शन तक पहुँच जाएँ, एक ऐसी जगह तक पहुँच जाएँ, क्योंकि बटांगला उसमें मेन जगह है जहाँ से वो ट्राई जंक्शन पहुँच जाता, कि वो वहाँ नीचे आ जाएँ जिससे यूनिलेटरली स्टेटस को उस ट्राई जंक्शन पॉइंट का ख़त्म हो जाए। तो हम जो इस भूमिका में आए वो इसलिए आए, जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था, हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं, लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है, जो आपका कहना कि मांग क्या है, मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहाँ से विड्रॉ, आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं, तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न ने प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे हैं।